नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, करंट अफेयर्स के वीडियोस कंटिन्यूसली अपडेट हो रहे हैं और फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आई होप इनके मदद से आपको काफ़ी न्यूज़ को किस तरीके से एनालिसिस करना है उसका आपको आइडिया लग रहा होगा कि न्यूज़ को हमको किस तरीके से एनालिसिस या एनालाइज करना है। ठीक है, अभी ये कुछ एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक मुख्यतः रहेगा वो न्यूज़ आपने थंबनेल में देख भी ली होगी और एसर रिपोर्ट पर रहेगा। ठीक है, एसर रिपोर्ट के ऊपर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट क्यों है? क्योंकि एक तो ये एजुकेशन से संबंधित है, एक तो ये किससे संबंधित है, आपकी पढ़ाई शिक्षा से संबंधित है। आपके किससे संबंधित है? एजुकेशन से संबंधित है या फिर शिक्षा से संबंधित है। स्टार्टिंग में दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा इंग्लिश में, लेकिन मैं इसको हिंदी में बोलूंगा क्योंकि मेरे को ये इंग्लिश में मिले थे, इसलिए मैं इसको हिंदी में आपको बोल दूंगा ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करिए इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स की वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले जो आज का वीडियो रहेगा वो आसर पर रहेगा। आसर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के बारे में है एजुकेशन, और आर से रिपोर्ट। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। और कौन निकालता है, कौन इसको पब्लिश करता है? प्रथम प्रथम एनजीओ है। एक प्रथम कौन है? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये सरकार की तरफ से नहीं है, सरकार की तरफ से नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, नॉन गवर्नमेंट बॉडी है एनजीओ की तरफ से। चलो, अब दो तीन क्वेश्चन है, इसका कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला तो यही पूछ रहा है कि शिक्षा कौन सी लिस्ट में आता है। ठीक है, अपने संविधान में तीन तरीके की लिस्ट होती है। ठीक है, संविधान में तीन तरह की लिस्ट होती है। ठीक है, ठीक है, एक सेंटर वाली, एक सेंटर की, एक अपनी स्टेट की, और एक कंबाइंड, उसको बोलते हैं कॉनकरेंट। कंबाइंड इसको बोलते हैं कॉनकरेंट। ठीक है, कंबाइंड इसको रब कर देते हैं, कॉनकरेंट, या उसको बोलते हैं कंबाइंड, जिसपे दोनों लॉज बना सकते हैं। सेंटर पे केवल सेंटर लॉ बनाएगा, स्टेट पे केवल स्टेट का क्षेत्राधिकार है, और कॉनकरेंट पे दोनों लॉ बना सकते हैं। मतलब सेंटर और स्टेट, सेंटर प्लस स्टेट, दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो यही बताना है कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो कौन से नियम बना सकता है, कौन से संबंधित विधि बना सकता है, नियम बना सकता है, लॉ बना सकता है। क्या सेंटर बना सकता है, क्या स्टेट बना सकता है, या क्या दोनों बना सकते हैं? ठीक है, कॉन्करेंट, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और स्टेट लिस्ट। ठीक है, वैसे तो इसमें आप ये लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लिस्ट में आना चाहिए। तो ये कौन से लिस्ट में, ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, ये कौन से लिस्ट का पार्ट है? कॉन्करेंट, यानी कि इस पर सेंटर और स्टेट दोनों नियम बना सकते हैं। चलिए, सिंपल क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन है एजुकेशन संबंधित, फिर अपन एजुकेशन जो एनुअल रिपोर्ट निकाली उसके बारे में पता चलेगा कि कितने लोगों ने एनरोल किया, कितने बच्चे पढ़ाई के लिए करे, कितनों ने कोचिंग ज्वाइन किया, और कोरोना का क्या प्रभाव रहा, इम्पैक्ट ऑफ कोविड, या कोरोना का इम्पैक्ट ऑफ कोविड, या कोविड का या कोरोना का क्या प्रभाव रहा एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, कितने लोगों की फीस बढ़ाई दी गई थी, ऐसा सुनने में आया था ना कि फीस बहुत बढ़ाई गई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, लोगों ने कहा जब हमारी ट्यूशन से नहीं लग रही तो फीस क्यों ले रहे हैं, ये सारी चीजें, बहुत सारे वाद विवाद थे उसमें, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अब आपका ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से संबंधित है, हिस्ट्री में ही पूछा है कि मैग्ना कार्टा, मतलब होल सोल, सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, ये आपको पता है? अलग अलग कमीशन या आयोग आए थे, अलग अलग आयोग आए थे हिस्ट्री में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयोग आपको पता है, इनसे सवाल बनते ही बनते हैं, तो हिस्ट्री में आयोग हमेशा पढ़ के जाइए, कहीं से भी इनको समझ के जाइए। ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए। अब जैसे सर्जेंट कमीशन हो गया, वुड्स डिस्पैच हो गया, मकाले मिनट हो गया, या हंटर कमीशन हो गया, या हंटर आयोग हो गया। ठीक है, हंटर कमीशन हो गया या हंटर आयोग हो गया। अभी देखो, ये सारी है तो सारी शिक्षा से संबंधित, सारी शिक्षा से संबंधित, तो सवाल ऐसे पूछ ले कि शिक्षा से संबंधित कौन कौन से इनमें से, तो आपको तो सारे टिक करने हैं उस केस में। ये है तो सारे शिक्षा से, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या होल सोल जो किसको कहेंगे, तो वो है अपना 1854 वाला वुड्स डिस्पैच। ठीक है, 1854 वाला वुड्स डिस्पैच, तो आपको ये पता होना चाहिए। इनका ईयर भी पता होना चाहिए, ईयर क्यों पता होना चाहिए? ठीक है, मिनट्स मकाले तो 1835 का था। ठीक है, तो ये आपको ईयर क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पूछ लिया जाएगा क्रम में जमाइए कि सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया, तो इसलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कभी भी आप कमीशन को तैयार करें तो कमीशन के लिए आप ऐसे लिखेंगे आयोग, ठीक है, आयोग, फिर एक टेबल बनाएंगे, एकदम नाम खींचेंगे। ठीक है, फिर इसका किससे संबंधित है, जैसे इसका शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसी तरीके से बटलर कमीशन आया था, जैसे बटलर, ठीक है, वो अपने संवैधानिक सिचुएशन के लिए था, सेंटर और स्टेट के आपसी बातचीत के लिए था, सेंटर और स्टेट में आपसी बातचीत के लिए लेकर था बटलर कमीशन। तो ये अलग अलग तरीके के, हंटर आयोग हो गया,
साइमन कमीशन था, आपको पता है साइमन 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 गो बैक वाला आया था, साइमन कमीशन आया था। क्यों? क्योंकि उसमें सारे भारतीय, उसमें भारतीयों के लिए वो संविधान था लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था, ठीक है, इसलिए उसको गो बैक का नारा दिया गया, गो बैक साइमन का नारा दिया गया था, आपको पता होगा। फिर उसमें लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी, लाला लाजपत राय जी को डंडे लगने उनको, ठीक है, वो लीड कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को और सबसे आगे थे, उनकी इसमें डेथ हो गई थी लाला लाजपत राय जी की। तो वुड्स डिस्पैच, इसलिए आपको ईयर पता होना चाहिए, फिर इसके बाद में आप टेबल बनाएंगे और ईयर पता रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसकी बात करी मैंने वुड्स डिस्पैच की 1854, तो इससे एग्जैक्टली आपको क्या होगा, ये पढ़ के जाएंगे तो इससे एक या दो सवाल आपके हमेशा IAS में, RAS में या अदर PCS एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन, फिर देखो आयोग की बात हो गई एक और, नेशनल नॉलेज कमीशन इनमें से किसने हेड किया था, ठीक है, DS कोठारी जी ने, अमर्त्य सेन जी ने, सैम पित्रोदा जी ने या अजीम प्रेम जी ने। देखिए चारों नेम फेमस है, फेमस नेम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, इनके बुक्स के बारे में, इनकी बुक्स के बारे में देख लीजिए, अगर सिर्फ नाम देख लिया जाए, टाइम हो तो पूरी बुक्स पढ़नी चाहिए लेकिन अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इनकी पूरी बुक्स पढ़ सके, लेकिन नाम पता होना चाहिए। उससे नाम से क्या होता है, थीम टाइटल से क्या आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये सोच रहे होंगे, इससे टाइटल से ही बहुत कुछ पता चल जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर अपन को बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सैम पिट्रोडा, आंसर हो जाएगा इसका सैम पिट्रोडा जी था। ये 2005 की बात है, 2005 की बात है, नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज आयोग, राष्ट्रीय राष्ट्रीय नॉलेज जानकारी ले लो, नॉलेज का नॉलेज लिख लो और कौन सा नेशनल जानकारी सूचना नॉलेज आयोग, ठीक है। चलिए किसका था, सैम पित्रोदा जी का। अब आ जाते हैं अपना जो मुद्दा है आज का, ये तो हो गया, लेकिन इसी तरीके से आपको करंट को इसी तरीके से एनालाइज करना है कि आपको सब पता होना चाहिए, उसका हिस्ट्री पता होना चाहिए, इकोनॉमिक सोसाइटी पॉलिटिकल सब पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपन आसर रिपोर्ट पे। 4 साल बाद ASR रिपोर्ट हुई और आंकड़े चौंकाने वाले थे, ठीक है, 4 साल बाद जारी हुई है, वैसे तो हर साल जारी होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि बीच में आपको पता है कोविड वगैरह आ गए थे तो उसकी सिचुएशन को और इसमें इसमें गंभीरता से लिया गया है इसमें। चलो चर्चा में क्यों था, हाल ही में NGO प्रथम द्वारा क्यों निकालते हैं, NGO NGO प्रथम, NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रथम नाम है NGO का, ठीक है। 17वीं इंपॉर्टेंट नहीं है, आंकड़े कह गए जो शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर प्रकाश डालता है, महामारी के प्रभाव पर प्रकाश डालती है ये रिपोर्ट, ठीक है। और इसमें रिपोर्ट में निपुण भारत मिशन जैसे सरकारी कार्यक्रमों के लिए अच्छा प्रदर्शन संकेत है, निपुण भारत मिशन जैसे सरकारी कार्यक्रमों के लिए एक अच्छा प्रदर्शन संकेतक है। चलो तो आसर, पहले आसर रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनके फैक्ट्स जरूरी है आपको याद रखने हैं क्योंकि ये IAS RAS जैसे एग्जाम्स में मेंस के क्वेश्चन में आपको जब भी शिक्षा से संबंधित सवाल आया तो वहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेंस में, ठीक है। इसलिए इस रिपोर्ट को आपको पढ़ना है, याद करना है, क्यों? क्योंकि इसके फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये एक वार्षिक है, नागरिक नेतृत्व तो वाला घरेलू सर्वेक्षण है, घरेलू सर्वेक्षण है, ओके, नॉन NGO कर रही, स्कूल में नहीं हो रहा है, स्कूलों में घरेलू सर्वेक्षण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका उद्देश्य ये समझना है कि ग्रामीण भारत में बच्चे, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाए तो आपको पता होगा कि ग्रामीण भारत से संबंधित घरेलू सर्वेक्षण है, हाउस होल्ड सर्वे, हाउस होल्ड है, ना कि स्कूल बेसिस पे, जो स्कूल जा रहे हैं उनका नहीं, जो घरेलू है उनका। तो कब से आरंभ हो रहा है, 2005 से, कब से आरंभ हो रहा है, 2005 से, तो इसके ये फिक्स होता है। और सर्वेक्षण कब से 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की नामांकन स्थिति और 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बुनियादी शिक्षा एवं अंक गणितीय स्तर के प्रतिनिधि अनुमान उपलब्ध कराता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 16 वर्ष, 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों का तो नामांकन की कितने एनरोलमेंट हुए, कितने लोग एनरोलमेंट, एनरोलमेंट क्या होता है, कितने लोगों ने दाखिला दर्ज किया, ठीक है, शिक्षा के लिए या पढ़ाई में स्कूल में दाखिला दर्ज करवाया, स्थिति और 5 से 16 वर्ष के लिए किसकी है, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, बेसिक की वही, इनको गुना भाग करना भी आता है कि नहीं, तो आंकड़े के चौंकाने वाले ऐसे उसमें बोलेंगे कि जो लोग हैं थर्ड क्लास के या फिफ्थ क्लास के उनको बेसिक, मतलब उनको गुणा करना नहीं आता, उसको डिवाइड भाग देना नहीं आता, ये सब चौंकाने वाले तथ्य है, ठीक है। अंक गणितीय स्तर के उनके प्रतिनिधि का अनुमान उपलब्ध करवाता है। चलो सरकारी स्कूलों में नामांकन की बात कर लेते हैं, तो आसर के रिपोर्ट, देश में सरकारी स्कूलों में बच्चों का नाम वृद्धि देखी गई है, यानी कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को नामांकन वृद्धि देखी गई है। अब उस ऑप्शन ऐसा बना देगा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन में वृद्धि देखी गई है, अब आप सोचेंगे कि यार सरकारी स्कूलों में तो लोग तो सब प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन नहीं, इस रिपोर्ट में साफ साफ बोल रहे हैं कि वृद्धि देखी गई है, यानी कि सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी हो रही है, उस वजह से इन्होंने यहाँ पे वृद्धि देखी गई है, तो ऑप्शन गलत कब होगा, आप दिमाग लगाएंगे कि नहीं नहीं यार अभी तो सब कुछ प्राइवेट हो रहा है तो लोग बाग ज्यादातर प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो प्राइवेट बढ़ रहा होगा, नहीं, ये देखो गलत हो जाएगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है रिपोर्ट्स ऐसी। बुनियादी शिक्षा और अंकगणितीय कौशल में भारत में कक्षा 3 और कक्षा 5 में छोटे बच्चों की बुनियादी
अब इसमें देखो, इसमें गिरावट आई है, यानी कि आप थर्ड क्लास में और फिफ्थ क्लास में, यानी कि उनको गुणा भाग इसमें बुनियादी शिक्षा और अंक गणितीय कौशल यानी मैथमेटिक्स में उनको, कैलकुलेशंस में, मैथ्स में उनको दिक्कत आई है, तो इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब नामांकित लड़कियों का अनुपात गर्ल्स रेशियो का, स्कूल में गैर नामांकित 11 से 14 आयु वर्ग की लड़कियों के अनुपात में 4.2% की कमी एक महत्वपूर्ण सुधार और सकारात्मक, ठीक है, तो ये एक सकारात्मक सुधार देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए इसके अलावा ये एक इंग्लिश में, क्योंकि पेपर कटिंग थी मैंने लगाई है, लेकिन मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इन जनरल आप देखो, एक एक करके चलते हैं, इधर से चलते हैं लेफ्ट से। ट्यूशन क्लासेस में पहले कितना था, 2010 में 22% ट्यूशन क्लासेस थी और अब 30% ट्यूशन क्लासेस हो गई है 1 से 8वीं के लिए, ठीक है। तो 22% से बढ़कर ये हो गई है 30.5%, ठीक है। ये हो गई है अपनी एजुकेशन में 1 से 8वीं तक की, यानी कि ट्यूशन क्लासेस बढ़ रही है, लोगों का रुझान ट्यूशन की तरफ है। तो ये पेड ट्यूशंस की बात कर रहे हैं, यानी कि जो पैसे दे के ट्यूशन ले रहे हैं, ये हो रहा है पैसे दे के ट्यूशन दे रहे हैं, तो उसमें ये इलाके चिन्हित है। देखो इसमें तो अपने 5 से 10 वाले यहाँ तो कम है अपने, ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा ये इधर वाले एरिया में देखो, बंगाल वाली साइड में यहाँ लोग ज्यादा एजुकेशन दे रहे हैं, और यहाँ भी बिहार यूपी में यहाँ भी अच्छा खासा एजुकेशन सिस्टम पे जोर दिया जा रहा है पैसों को देकर। और अटेंडेंस की वाले में, बस अटेंडेंस की बात कर लेते हो, तो ये अटेंडेंस का रेशियो तो उस टाइम पे कितने, 72% लगभग एवरेज है, यानी कि ठीक ठाक अटेंडेंस शो हो रही है, लेकिन ये फिर भी कम है आंकड़ा। ठीक ठाक अटेंडेंस शो हो रही है, अटेंडेंस का मतलब कितने लोग वहां पे प्रेजेंट हुए हैं उस टाइम पे। और स्मार्टफोन्स की बात करें तो ये देखो, ये चौंकाने वाले वाला है, 74%, यानी कि 75% लोगों के पास लगभग अब स्मार्टफोन फोन्स है, तो स्मार्टफोन पे अच्छे से पढ़ाई हो सकती है, और लगभग 88% लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। अब कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखना हो तो आप कहेंगे कि हाँ भाई, कि शिक्षा का व्यापक विस्तार हो सकता है क्या, तो किस तरीके से हो सकता है, तो आप यहाँ रिपोर्ट लिखिए कि आसर रिपोर्ट के अनुसार या एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार, जो कि प्रथम एनजीओ के द्वारा निकाली जाती है, उसमें ये तथ्य अंकित किया गया है कि 75% लगभग हाउस होल्ड के पास स्मार्टफोन है और 88% लोगों के पास इंटरनेट सुविधा है, तो उनको ट्यूशन या फिर उनकी क्लासेस इजिली एक्सेस कराई जा सकती है, या एजुकेशन को विस्तार बनाया जा सकता है। फिर स्कूल फैसिलिटीज की बात कर लो, स्कूल फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल फैसिलिटीज जैसे टॉयलेट्स, हम गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स नहीं होगी तो वहाँ पे विचार करने लिए योग्य होगा ना कि यार यहाँ तो टॉयलेट ही नहीं है, पूरे दिन कैसे निकालेंगे, और फिर हाइजीन, बहुत सारी अलग अलग समस्याएं होती है हाइजीन से संबंधित होती है, ठीक है। ये विचार करने योग्य मुद्दे हैं, इनको मजाक में मत लीजिए, ये सीरियसली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एजुकेशन को लेकर, ठीक है। और कभी भी किसी भी देश की स्थिति को सुधारना है तो उसके शिक्षा को, उसके एजुकेशन को, प्रणाली को सुधारना होगा, शिक्षा को और एजुकेशन प्रणाली को सुधारना होगा, वरना और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है और एजुकेशन के अलावा, ठीक है। लाइब्रेरीज, 44% में लाइब्रेरीज है, 68% में टॉयलेट्स है, तो ये थोड़ा सा एक चिंतित वाला विषय है। हालांकि 66% था 18 में, अभी 68% हुआ है, बड़ा है। प्लेग्राउंड्स होने चाहिए, शारीरिक शिक्षा होनी चाहिए, मानसिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजें आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, कि ट्यूशन के बारे में बात कर रहा है, कितना लोग पैसे देकर ट्यूशन ले रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा है, अटेंडेंस को लेकर बात कर रहा है। अटेंडेंस कम क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि लोग उनको, बच्चों को अपने अलग अलग काम धंधे में लगा देते हैं, तो वो स्कूल नहीं आ पाते, या बच्चे बंक मार लेते हैं क्लासेस से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दयनीय स्थिति हो गई। स्कूल फैसिलिटीज होनी चाहिए, टॉयलेट्स को क्लीन होना, क्लीन टॉयलेट्स होना, ये सब आपकी मेरी सब हर किसी की जिम्मेदारी है कि हम जहाँ भी जाएं तो सरकारी वाहनों को, सरकारी यूटिलिटीज को, फैसिलिटीज को दुरुपयोग ना करें, गंदा ना करें, ठीक है। प्लेग्राउंड जैसी समस्या है, प्लेग्राउंड होगा तो शारीरिक विकास भी अच्छा होगा। फिर ये कंपैरिजन रिपोर्ट है, मैंने इसलिए डाल दी ताकि आपको जब भी आंसर लिखना हो तो इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। इन फैक्ट्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, इनकी इंपॉर्टेंस केवल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जनरल आइडिया या अवेयरनेस रहनी चाहिए कि हाँ, बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे सरकारी में आंकड़ा बढ़ा है तो वो वैसा पता होना चाहिए। तो ये देख लेते हैं, समग्र नामांकन ये भी बढ़ा है, ठीक है, ये भी लगभग बढ़ा है, तो सब अच्छे सकारात्मक है। देखो सकारात्मक सकारात्मक सकारात्मक, ये नकारात्मक है, ये तीन चार नकारात्मक कौन कौन से, कक्षा थर्ड के बच्चे कक्षा 2 के स्तर पर पढ़ने में सक्षम, तो ये थोड़ा सा नकारात्मक है। जोड़ने घटाने में दिक्कत हो रही है तीसरी कक्षा के बच्चों को, प्लस माइनस में दिक्कत हो रही है, तो ये भी घटा है, तो ये मतलब ये देखो, ये थोड़ा नकारात्मक है। कक्षा 5 के वे बच्चे जो भाग कर सकते हैं, मतलब ये डिवाइड कर सकते हैं, तो केवल 25%, मतलब एक बच्चा, 4 में से 1 बच्चा केवल डिवाइड कर पा रहा है। आप ये देखिए कितनी स्थिति खराब है, अगर केवल एक फिफ्थ क्लास का बच्चा, जो कि 4 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा डिवाइड कर पा रहा है, डिवाइड सिंपल डिवीजन कर पा रहा है, तो मतलब ये स्थिति सुधारने लायक है। और आपको पता है कि अगर देश का और समाज का विकास करना है तो शिक्षा पे जोर देना आवश्यक है, इसलिए आपको ये, हम लोगों का भी ये प्रयास रहता है, मुकेश, डॉक्टर मुकेश पंचोली जी सर का भी ये प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को व्यापार ना होकर व्यापक बनाया जाए, ताकि आप लोगों को इसका फायदा मिल सके, ठीक
ठीक है, जय हिंद, जय भारत।